तरह से अस्थिर करने की कोशिश की गई तो इस झारखंड राज्य में उत्पीड़न होगा और जो लोग इस साजिश के पीछे हैं उन्हें यहां से बोरिया बिस्तर समेट के यहां से चले जाना। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि 15 दिनों का जो प्रोग्राम बना है, केंद्रीय एजेंसियां इनके इशारे पर काम करती है। जैसे जैसे ये जहाँ कहते हैं इनके संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, हमारे महामहिम राज्यपाल जो राज्य के कस्टोडियन होते हैं, वो जाकर रायपुर में कहते हैं एटम बम फटेगा दिवाली के बाद, तो ऐसे ऐसे एटम बम से झारखंड मुक्ति मोर्चा डरता नहीं। सीएम आवास के बाहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। उन्होंने मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आदिवासियों को दबाया है, केंद्र की सरकार ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। विपक्ष मुझे जेल भेजने की साजिश कर रहा है, लेकिन उनको यह मालूम होना चाहिए कि अगर जेल भरो अभियान की शुरुआत झामुमो करेगा तो कितने लोग बाहर निकलेंगे, उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं होगी। जब राजनीतिक तौर से विपक्ष हमारा मुकाबला नहीं कर सकी तो अब ईडी के जरिए हमें डराने का प्रयास किया जा रहा है, भाजपा हमें अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हम उनके मंसूबों पर उनको कामयाब नहीं होने देंगे। आज आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ईडी कार्यालय और बीजेपी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है? दरअसल भाजपा भी इस बात को जानती है कि जनता हमारे साथ है, जनता सब देख रही है, हम भी देखेंगे कितने दिनों तक राजनीतिक रोटी सेकने का काम करेंगे। इस बीच उन्होंने गुजरात चुनाव का भी जिक्र किया और कहा कि वहां के आदिवासियों को संभलने की जरूरत है, उनको इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि एक भी सीट बीजेपी के हाथ ना लगे। आगे मुख्यमंत्री ने कहा, मैं वादा करता हूँ यह सरकार 5 साल तक कार्यकाल पूरा करेगी। सीएम के भाषण के दौरान कार्यकर्ता जोश से भरे दिखे, जमकर भाजपा के खिलाफ नारे लगाए। आप सभी झारखंड के और झारखंड मुक्ति मोर्चा के क्रांतिकारी सिपाहीगण, आप सब लोगों का आप लोगों का मैं आभार शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी ओर से दुआ करता हूँ, क्योंकि अचानक परिस्थिति और राज्य के अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।